हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंजॉय बागवानी। मैं हूं आपकी होस्ट अनामिका। तो आज है संडे और संडे के दिन होता है संडे अपडेट। तो चलिए देखा, मैं हमेशा आपको हमेशा अपना टेरेस गार्डन दिखाती थी, तो आज जो है मैं अपना पोर्च गार्डन दिखाने वाली हूं जो मेरा नीचे है, तो उसे ही आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे जो नीचे हैं वहाँ पर कौन कौन से फूल लगे हैं, और अभी जो विंटर सीज़न है बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम सुंदर से हिबिस्कस के, हाइब्रिड के हिबिस्कस के, कि अभी जो विंटर सीज़न में जो हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस है ना वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और ये देखिए, ये मेरा नीचे लगा हुआ और ये मेरा 5-6 साल पुराना पेड़ है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ना कलियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना कलियाँ अभी भर भर के आ रही हैं। तो जितने भी आप ब्रांचेस देखेंगे उसमें आपको कलियाँ ही कलियाँ दिखेगी। और इधर ही आपको देखिए ये दिख रहा है, आपको बहुत सुंदर से दिख रहा है ना, ये देखिए ये दिख रहा है आपको जीनिया के प्लांट। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपना ना पौधे जो है ना बुशी रखना रहता है ऐसा ही ना, तो आप क्या 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 करिए कि एक जो गमले हैं उसमें जो ये मेरा 6 इंच का गमला है उसमें मैंने 3 पौधे लगाए हुए हैं। तो देखिए ये इस तरीके से आपके जो प्लांट जो आपको हमेशा नर्सरी में दिखाते हैं कितने प्लांट बुशी हो गए हैं और जो डिस्प्ले करने के लिए लगे रहते हैं, तो उसमें एक प्लांट नहीं रहते। अगर आप क्रिसैंथेमम भी लगा रहे हैं तो आप 2-3 पौधे क्रिसैंथेमम की कटिंग एक ही गमले में अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर जो है क्रिसैंथेमम आपकी इतना ही सुंदर दिखाई देगा। और साथ में फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप छोटे स्पेस में अगर आप रहते हैं और आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है गार्डन करने के लिए, तो देखिए ये जो है मेरा एडेनियम है ये 4 इंच के पॉट में लगा है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। फ्रेंड्स ये जो है ये भी 3-4 साल के पौधे हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड वाली, ये जो देसी वाली एडेनियम होती है बहुत सुंदर लगती है, हाइब्रिड तो सुंदर लगती है, और ये जो होती है ना इसका ज़्यादा केयर करना नहीं रहता, साल भर आपके बहुत अच्छे चलते हैं। साथ में यही नीचे में मैंने कॉस्मोस लगाया हुआ, और कॉस्मोस जो है ना अगर आप एक बार लगाते हैं तो अब आप देखिए इसको, आप खुद देख लीजिए कि इसकी जो है ना सीड जो है ना खुद ब खुद इतनी सारी आपकी तैयार हो जाती है। देखिए पीछे में मैच्योर सीड्स आपको दिख रहे हैं। और साथ में इधर ही मैंने लगाया हुआ है विंका, विंका अभी बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। तो आप भी जो है ना अपने ना छोटे छोटे पॉट में जो 4 इंच के पॉट होते हैं और 10-10 रुपये में आपको मिल जाते हैं, वो आप विंका लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हाइब्रिड कलर, देसी कलर में बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है। और अगर आपने हाइब्रिड अभी हिबिस्कस नहीं लगाया तो हिबिस्कस आप हाइब्रिड हिबिस्कस जरूर लगाना चालू कर दिए। तो फ्रेंड्स, तो ये मेरे एंट्री में मैंने ऐसे ही जो भी मेरे फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं ना उनको मैं ऐसे ही ला के लगा दिया करती। तो ये देखिए एडेनियम अभी जैसे कि बडिंग जब ज़्यादा निकलने लगती है तब मैं ऐसे ही नीचे ला के रख देती हूँ। और उसी के साथ जो हमारे बहुत सारे मेरे जो है अरिका पाम जो है, अभी जो विंटर का सीज़न है अरिका पाम और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जो कि अभी थोड़े डोरमेंसी में चले जाएंगे, जैसे कि ये है फाइकस, और यही साथ में मैंने ये लगाया हुआ है सामने, देखिए सामने लगाया हुआ। अभी जो है विंटर सीज़न में ये भी जो है ना बहुत लैगी लैगी से होते जा रहे हैं टर्टल वाइन। और ये देखिए इसके भी अभी जो है ना इन लोगों को वाटरिंग जो है थोड़ा कम कर देना चाहिए, जो जितने भी आपके अरिका पाम हैं साथ में। और ये सब अरिका पाम जो है ना मैंने बहुत पुराने पुराने और कुछ तो अपने कटिंग से ही तैयार किए हुए। और फ्रेंड्स इस साइड जो है मैं आपको दिखाऊँ तो ये है हमारे जितने भी सब छोटे छोटे पॉट में मेरे लगे हुए हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट है, ये भी 4 इंच के पॉट में। उधर बिगुनिया लगा हुआ है, साथ में ये लगा हुआ है ड्रेसिना की वैरायटी है सिंगोनियम, ये एक है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप याद दिला दीजिएगा मुझे नाम। कभी कभी वीडियो बनाते बनाते ऐसा होता है कि हमारा नाम है। ये कैलेडियम है, इसके बल्ब्स आप ये आप सेव करके रख सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर, और ये बहुत सुंदर जो है ना अपने आप से ना आपको ऐसा लगेगा कि ये मर गया है, तो मगर ये मरता नहीं है। आप इसके ना बल्ब्स को ना सेव करके रख दीजिए तो ये खुद जब समर सीज़न आएगा ना तो ये खुद ब खुद जो है ना अपनी जो ना लीव्स निकाल देगा। ये अरेलिया के पॉट में लगा हुआ है, देखिए मुझे पता नहीं था कि इसमें इसकी सीड जिंदा है, और ये देखिए अपने आप से अरेले के पॉट में निकल गया। और फ्रेंड्स ये देखिए सारे जितने भी मेरे जो लगा हुआ है ये सारे छोटे पॉट्स में लगा है। साथ में ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी 4 इंच के पॉट में लगा है, इसी में लगा है हमारा स्नेक प्लांट जो कि आपके हवा को बहुत शुद्ध करता है, तो स्नेक प्लांट मेरे घर में बहुत सारे लगे हैं। साथ में फ्रेंड्स ये है चाइनीज एवरग्रीन जो कि एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, बहुत सुंदर जो है ये प्लांट होता है। उसी के साथ ये जितने भी हमारे हैंगिंग प्लांट्स हैं तो ये सब मैंने लगाया नहीं है, ये वैंडरिंग ज्यू, ये है टैंगल हर्ट, ये आपका टर्टल वाइन है, ये स्पाइडर प्लांट, ये सारे जो है हैंगिंग जो है मैंने लगाया नहीं, अपने आप से ऑलरेडी हो गया। और फ्रेंड्स ये जो मेरा एक है बिगुनिया का, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लीफ है पीछे जो है ना
ये पिंक रहती है, सामने से ग्रीन रहती है, बहुत सुंदर ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है ना आपने छोटे छोटे पॉट में भी ना, ऐसा नहीं कि महंगे पॉट्स और बड़े बड़े पॉट्स, आप छोटे पॉट में भी ना छोटी जगह में आप बहुत सारे ना पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा जो सामने का जो है वो एरिया दिखाई देता है। और अभी जो है ना अभी और फ्रेंड्स इधर देना मैंने, और फ्रेंड्स ये है कुछ सिंगोनियम की वैरायटी जो कि पिंक, देखिए बहुत सुंदर सुंदर इसमें पिंक, तो मैंने मिक्स मैच करके यहाँ पर पिंक सिंगोनियम भी लगा के रखा है। और ये जो है ना ऐसे छोटे छोटे कप में आप भी लगा सकते हैं, तो ये देखिए। और इसी में मैंने ये जो है इसे क्या कहते हैं वैंडीलैंड, नहीं सिंगोनियम वैंडीलैंडी है, और साथ में ड्रेसिना, ये भी एक छोटे से मैंने कप में ही लगा के रखा है। तो आप छोटे छोटे कप में भी बहुत सुंदर से लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ पर बिगुनिया है, ये भी छोटे 4 इंच के पॉट में, और इसमें बहुत सुंदर से पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर। और इधर ही मैंने लगा के रखा हुआ है ये है क्या बोलते हैं इसको, मार्बल पोथोस, साथ में नियॉन पोथोस, और ये जो नॉर्मल वाली पोथोस होती है जो कि मनी प्लांट होती है। और फ्रेंड्स इधर ही मैंने जो है ना ये देखिए यहाँ पर हमारी बन रही है लाल भाजी की सीड, जो कि मैंने निकाला नहीं था और ये लगा था हमारे अलमेंडा के पॉट में। तो इधर जो है ना मेरे देखिए देखिए नियॉन पोथोस है, और इसी जो है मनी प्लांट के गमले में ये मेरे एक अशोका का प्लांट है जो कि लगा हुआ है। और साथ में ये है आपका वैंडन जू, जिसे कि विंच प्लांट बोलते हैं, बहुत सुंदर ये जो होता है ना हैंगिंग प्लांट्स के लिए तैयार होता है। और साथ में ये मनी प्लांट, और ये टर्टल वाइन जो कि आपने मेरी वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा, और साथ में ये है आपका है ये है बेबी टीयर्स। तो इस तरीके से जो है ना छोटे छोटे पॉट में या फिर छोटे छोटे कुछ किसी भी डब्बे में भी आप ना बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो कॉर्नर है ना बहुत ज़्यादा हरियाली वाला कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मनी प्लांट के ही सारे वैरायटी है, और साथ में ये सब सारे छोटे छोटे गमले में ही लगा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास स्पेस कम है ना, तो आप जो है ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही ज़्यादा स्पेस में ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेरे सामने है ना सारे मेरे अरिका पाम ही लगे हुए हैं, और साथ में छोटे छोटे मैंने पॉट्स ही यूज़ किया हुआ है, तो मैं ज़्यादा खर्चा करके गार्डनिंग नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरे नीचे का एरिया का। तो अभी जो है मैं आपको देने वाली हूँ अपने छत एरिया का गार्डन अपडेट। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे छत पे इतने सुंदर ये जो है ना रोज़ के फ्लावर खिले हैं, और शाम हो गया, और ये इसमें पूरी कलियां भरी हुई है, और इस तरीके पूरा पूरा जो है हमारा मैरीगोल्ड। और इसी प्लांट से मैंने बहुत सारा जो है ना अपना मैरीगोल्ड का प्लांट छोटे छोटे बनाए हुए हैं। और इधर जो है आपका यूफोरबिया मिली खिला हुआ है, और ये जो बोगनवेलिया है ये पूरी अच्छे से खिल रहा है, जो येल्लो वाला है बोगनवेलिया ये बहुत अच्छे से कलियों से भर गया है, और इसमें छोटे छोटे जो है ना कलियाँ बहुत सारी खिल रही हैं। और ये पूरा देखिए बोगनवेलिया खिला है, और ऊपर में ये है कनेर के प्लांट पूरा कनेर। और शाम हो गया फ्रेंड्स, तो अंधेरा हो गया है। और इधर कॉस्मोस, कॉस्मोस बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और ये देखिए पूरा कनेर है, ये कनेर देखिए कितनी सुंदर कनेर, आप मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में देखे होंगे, तो बहुत सुंदर कनेर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। पूरी इवनिंग हो गया है, और ये नीलकंठ के फ्लावर, तो नीलकंठ अभी जो है ना ठंडियों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है हमारे घर में, और एकदम अंधेरा हो गया। और ये देखिए हिबिस्कस, जो देसी वाली हिबिस्कस होती है ना, वो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये मेरा बहुत पुराना पेड़ है जिसमें कि बहुत सुंदर फ्लावरिंग अभी होना स्टार्ट हो गई, इसको क्या बोलते हैं इसको बोल, ये पर्पल कलर ऑरेंज कलर में भी आता है ये, इससे शायद वैजंती ऐसे कुछ फ्लावर बोले, जिसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे में है, अभी नाम मैं भूल रही हूँ। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही होगी क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बाद में बनाया जाए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। We'll take the next video next episode. Thank you. Bye.